हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन द वेज हाउस। आज हम बनाएंगे भरवा मिर्च, जो बेसन के मसाले से हम भरेंगे। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है ये हरी मिर्च है, इसको हम भर के बनाएंगे। ये जो बड़ी वाली मिर्च है मैंने धो के सुखा ली है, इसको हम भरेंगे। बेसन से भरना है हमको, तो हम उसको पहले कट कर लेंगे बीच में से। और इसमें जो बीज है वो निकाल लेंगे, जिससे तीखा कम हो जाए। इसी तरीके से दूसरी भी हम बीच में से कट कर लेंगे। अभी हम मसाला बनाएंगे भरने के लिए। तो ये मैंने बेसन लिया है, तो ये बड़े 4 चम्मच बेसन लिया है। उसमें मैंने 3-4 लहसुन की कली को मैंने पीस लिया है, ये डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है, ये छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। और ये मसाले डालेंगे, हल्दी डालेंगे, ये धनिया पाउडर है छोटी 2 चम्मच धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च है 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च डालना है, इसको मिक्स करना है। और ये मैंने फ्रेश धनिया बारीक काट लिया है, वो भी डालेंगे इसमें। अभी हम ये मेरा अचार है, अचार का इसमें तेल डालना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अचार का तेल नहीं हो तो आप नॉर्मल तेल भी यूज कर सकते हो, बट अचार के तेल से टेस्ट सब्जी में ज्यादा अच्छा आएगा। जो कैरी का अचार रहता है उसके ऊपर का जो तेल रहता है वो 2-3 चम्मच डालेंगे, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला, तो हम मिर्ची में भरते हैं इसको। इसी तरीके से दूसरी मिर्च भर लेंगे। ये हमारी मिर्ची भर के रेडी है, अब इसकी सब्जी बना देते हैं। अभी हम ये जो मसाला बचा है उसको हम बाद में सब्जी में यूज कर लेंगे। ये मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया है। तेल गरम हो गया है, अब हम थोड़ी सी राई डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच और 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। अब ये क्रैकल हो गई है राई और जीरा। अभी जो मिर्ची भरी हमने वो डालेंगे इसके अंदर।
गैस रखेंगे हम, कम गैस रखेंगे और इस पे हम थोड़ा पानी डालेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालना है। इसको ढक के रखना है, ढक के रखेंगे और उस पे थोड़ा सा इस पे पानी डालेंगे। अभी हम ऐसे ही 2-3 मिनट तक पकने देंगे सब्जी, और ये जो हमारा बचा हुआ मसाला है उसको हम बाद में 2 मिनट बाद इसमें डालेंगे सब्जी में। अभी ये 2 मिनट हो गई है, हम इसको ध्यान से साइड में करेंगे ढक्कन। अब इसको हिला लेंगे सब्जी को। इसके ऊपर जो ये पानी था उसको हम इसमें थोड़ा और डालेंगे। पानी डालने से मिर्ची एकदम सॉफ्ट बनेगी, तो पानी डालना है थोड़ा और। और इसके ऊपर फिर से थोड़ा पानी रखेंगे और अभी सीजने देंगे। 2 मिनट और हो गई है, हम चेक कर लेते हैं। अभी मिर्ची का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, थोड़ी थोड़ी मिर्ची सीज गई है। तो हमारा जो बचा हुआ मसाला था ये हम ऐड कर देंगे सारा। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें पानी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये जो हमने गरम उस पे रखा है पानी वो फिर से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अभी फिर से सीजने देंगे। अभी ऊपर पानी रखने की जरूरत नहीं है, अभी 5 मिनट और सीजने देंगे। अभी 2 मिनट हुई है, हम देख लेंगे फिर से। हर थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है कि जिससे हमारी मिर्ची नीचे चिपके नहीं। हम चेक कर लेंगे, एक बार हिला लेंगे। अभी ये देखो मिर्ची चेंज हो गया कलर, पूरा अच्छे से सीज गई है। तो अभी हम गैस बंद कर देंगे, हमारी मिर्ची रेडी है। तो अभी हमारी सब्जी रेडी है, हम सर्व करेंगे। रोटी चपाती के साथ सर्व करेंगे या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।